अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक रिकमेंडेशन लेटर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद अंजुम और मेरे साथ है जुनैद अंजुम। आज की वीडियो का टॉपिक है रिकमेंडेशन लेटर, ये क्या होते हैं? जी, रिकमेंडेशन लेटर बेसिकली आपने के जो प्रीवियस ट्यूटर होते हैं उसका एक ना कमेंट होता है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपके एप्टीट्यूड के बारे में, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है? एक्चुअली जिस भी आप अदारे में या इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए स्पेशली, तो वो इंस्टीट्यूट या वो इदारा ये जानना चाहता है कि आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस किस तरह की है, आपका ट्यूटर के साथ रिलेशनशिप किस तरह का है। जाहिर बात है आपने अपने ट्यूटर के साथ बैचलर्स में तकरीबन 4 इयर्स स्पेंड किए हैं, तो वो एक आपका ना एक बॉन्ड बनता है अपने टीचर के साथ। तो अगर आपका उनके साथ रिलेशन और अच्छा रहा है तो वो आपके बारे में ज़रूर अच्छे कमेंट करेगा। और वैसे भी जो है ना एक एकेडमिक का ये एथिक है कि आपका जो टीचर होता है वो आपके बारे में हमेशा सच बोलता है, तो इसलिए वो रिक्वायर करते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर आप किसी अपने टीचर से लेकर दें। ये रिकमेंडेशन लेटर हम किससे हासिल कर सकते हैं? हाँ जी, एक बात का यह बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक बात का आप इसमें लाजमी ख्याल रखें कि आपने जब भी रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं तो अपने टीचर के ग्रेड का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका टीचर हो ना वो मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, इससे बिलो जिस तरह के लेक्चरर्स हैं आप उनसे नहीं ले सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप कोशिश करें एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल के टीचर से अपना एक्सेप्ट रिकमेंडेशन लेटर बनवाए। इसके अलावा जुनैद हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इससे आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऐसे प्रोफेसर का या एसोसिएट प्रोफेसर का रिकमेंडेशन मांगे जो कि आपको अगर आपसे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट की क्यूरी है तो वो उसका आंसर भी करे, और उसके पास इतना टाइम हो कि आप अगर आप उनसे रब्ता करें और अगर आपको जल्दी है, क्योंकि कई दफ़ा डेडलाइन होती है, प्रोफेसर होते हैं बिजी, तो वो उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपका रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपलोड से मुराद जो है मैं आपको ज़रा मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ कि दो तरह के रिकमेंडेशन मांगे जा सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि आपने वो खुद किसी प्रोफेसर से हार्ड कॉपी में लिया हुआ, आप उसको स्कैन करवाएं और सेंड कर दें। एक टाइप ये भी है कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपको कहते हैं आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बुक कर दें प्रोफेसर की, वो ऑनलाइन एक लिंक भेजेंगे ईमेल पर उसकी, तो वो उसको ईमेल से ओपन करेगा और फिर आपके बारे में कमेंट्स करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि उनका वे ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह का है, वो किस तरह मांगते हैं, और दूसरा ये कि आपका प्रोफेसर जो है क्या वो उस तरह के मियार पे पूरा उतर सकता है। मियार से मुराद ये कि टाइम के ऊपर वो अपलोड कर देगा कि नहीं करेगा। एक हम रिकमेंडेशन लेटर को ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? जी, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आई थिंक मैं इसको स्क्रीन पे एक टेम्पलेट को शो करके दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। आइए मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं रिकमेंडेशन लेटर का टेम्पलेट। तो गाइज, हमने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं तो उसको आपने उस इंस्टीट्यूट जिसमें वो पढ़ाता है या यूनिवर्सिटी उसके लेटर हेड के ऊपर बनवाना है। उसके अलावा हमने ये बात का ख्याल रखना है कि हमारे जो रिकमेंडेशन लेटर है उसमें 3 सेक्शंस लाजमी हों। सबसे पहले कि वो आपका नाम लिखकर बताए कि मैं किसको रिकमेंड कर रहा हूँ, दूसरी बात किस प्रोग्राम के लिए कर रहा हूँ, तीसरी बात उसका आपके साथ ताल्लुक क्या है, चौथी बात उसने आपको कितने अरसे पढ़ाया है या उसका ताल्लुक आपके साथ कितने सालों का है, कितने अरसे का है, उसके बाद वो आपका पांचवी चीज़ जो है आपको ये बताए कि आपकी एप्टीट्यूड क्या है जो उसने ऑब्ज़र्व की हैं, वो इस रिकमेंडेशन लेटर में मेंशन करें। जो उससे अगली चीज़ है, छठी चीज़, कि वो फिर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर लिख कर दे कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे उनके साथ इस रिकमेंडेशन लेटर के लिहाज से
तो वो उनसे इजीली कांटेक्ट कर सके, जिसमें उनका नेम भी आएगा, उनका इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी आएगा, उनका ईमेल एड्रेस आएगा और उनका कांटेक्ट आएगा। तो ये चीज़ें एसेंशियल हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जिस भी प्रोफेसर से ये बनवा रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखे और सारी चीज़ों को इसमें मेंशन ज़रूर करे, और उसको जनरल बनाने के लिए वो ये सेंटेंस लाजमी लिखे, टू होम इट मे कंसर्न, ताकि एक जनरल हो जाए, आपको हर अलग-अलग इंस्टीट्यूट के लिए एक अलग-अलग रिकमेंडेशन लेटर ना बनवाना पड़े। तो आप एक ही रिकमेंडेशन लेटर को तमाम इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं यूटिलाइज कर सकें। उम्मीद है कि आज आपने रेकमेंडेशन लेटर बनाना सीख लिया होगा और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।